ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये एक चैलेंज है, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि बाहर की कंट्रीज में। यदि मैं विकसित देश देखूं कि यूएसए देखूं, यूके देखें, तो वहां पे जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं हमारी कंट्री में नहीं है। और वही सुविधाएं यानी कि प्रिकॉशनरी तौर पर भी जो सुविधाएं देखी जाए वो डॉक्टरों को भी नहीं मिल पाती, जैसे कि N95 का मास्क होना, पीपीई किट होना, और वो पर्याप्त मात्रा में है। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी शुरुआत हुई थी, जब हमारे यहाँ शुरुआत में केसेस आए थे तो पीपीई किट्स और N95 बहुत कम मात्रा में थे। धीरे धीरे इनकी जो संख्या है बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसमें अभी चैलेंज है, और यही कारण कई बार बन जाता है इन्फेक्शन होने का। हैंड सैनिटाइजर होना, N95 मास्क होना, पीपीई किट का होना, जब ये चैलेंज होता है तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और दूसरा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जनसंख्या ज्यादा है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है। एक डॉक्टर जब देख रहा होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेशेंट्स भी हैं वो क्या होता है कि बिना लाइन लगाए खड़े हो जाते हैं, एक डॉक्टर के आगे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिट है ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे की तरफ होता है। तो सोशल डिस्टेंस, जो फिजिकल डिस्टेंस हम बार बार बात करते हैं, वो कई बारी हॉस्पिटल की जगहों पर नहीं हो पाती, क्योंकि संख्या मरीजों की बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेशेंट्स आए वो अपना नंबर कर एक लाइन में खड़े हों, जो आजकल कहा गया 3 फीट का कम से कम डिस्टेंस और लाइन्स हैं, नहीं तो यही हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो बीमार हो जाएंगे, तो आफ्टरऑल इलाज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उनको बचाना भी हमारे सबसे बड़ी जरूरत है। तो उनको मैं चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है और कोशिश होनी चाहिए कि उनको सुविधाएं मिले ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए।